हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। साथियों, आज की वैकेंसी आ रही है आर्मी में, और आर्मी में यह वैकेंसी सीधी भर्ती है जनरल ड्यूटी पद के लिए। 10वीं पास, 8वीं पास अभ्यर्थी पद के लिए कर सकते हैं आवेदन। यहां पर आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ भी क्वालिफाई करनी होगी। मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है। और इच्छुक उम्मीदवार जो नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह के आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। साथियों, आज की जो वैकेंसी आ रही है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, त्रिशूर से वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ पर आपको आवेदन करना है, ये रिक्रूटमेंट रैली है, और यहाँ पर ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। होना यहाँ पर सीधी भर्ती यानी कि रैली के माध्यम से, लेकिन पहले इसके लिए आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन करने के बाद आप ये एड्रेस देख पा रहे हैं, इस एड्रेस पर आपको ये रैली कराई जाएगी। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपकी ये रैली होगी 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। और इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं 4 जुलाई से 18 अगस्त तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे, और 20 अगस्त के बाद इसके लिए आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, और आप ऑनलाइन यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। www.joinindianarmy.nic.in से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले पदों की संख्या यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि सोल्जर जनरल ड्यूटी का पद है, सोल्जर टेक्नीशियन का है, सोल्जर टेक्नीशियन एई का है, सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर की वैकेंसी है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी है, और सोल्जर ट्रेड्समैन के दो पद हैं, एक 8वीं पास एक 10वीं पास के लिए। तो ये है इसकी। सभी में उम्र सीमा 17.5 वर्ष से आपकी 23 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए किसी भी पद के लिए आप आवेदन करेंगे। केवल सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो 21 वर्ष रहेगी, बाकी सभी के लिए 17.5 से 23 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। सभी में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जनरल ड्यूटी के लिए आपको 166 वर्ष आपकी यहाँ पर हाइट होनी चाहिए, और 50 केजी यहाँ पर वजन आपका होना चाहिए। और यहाँ पर जो दो पद हैं, जैसे कि सोल्जर टेक्नीशियन का और सोल्जर नर्सिंग का, इन दोनों के लिए आपको 165 हाइट और 50 केजी वजन होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है मैं आपको दिखा दूं कि सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर का, और यहाँ पर इसके लिए आपको 162 सेंटीमीटर हाइट, 50 केजी वजन, और दोनों सोल्जर ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है उसके लिए 166 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट और 48 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए। और ट्रेड्समैन के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो मिनिमम 76 सेंटीमीटर की आपका चौड़ाई होनी चाहिए सीने की, फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। बाकी सभी के लिए आपको 77 सेंटीमीटर आपके सीने की चौड़ाई होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य रखा गया है। आवेदन करने के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, अगर सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको केवल हाई स्कूल पास चाहिए 45% के साथ। सोल्जर टेक्नीशियन के लिए इंटर पास चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में, 50% सभी में सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए, टोटल में 40% आपका अनिवार्य रखा गया है। अगर आप सोल्जर टेक नर्सिंग के लिए आवेदन करते हैं तो इंटर पास चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में आपको बायोलॉजी, इंग्लिश चाहिए, सभी में 50% अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, साथ में 40% टोटल आपके मार्क्स होने चाहिए। सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए आवेदन करते हैं तो केवल इंटरमीडिएट पास 60% अनिवार्य रखा गया है। सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर ट्रेड्समैन सेकंड, यानी कि दो हैं, एक 8वीं पास एक 10वीं पास, तो अगर दोनों में से आप किसी में भी आवेदन कर सकते हैं, अगर 10वीं पास में 8वीं पास में, आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन रहने वाला है। तो ये कुल पद हैं, हाइट है, वेट है, उम्र सीमा, क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ आप यहाँ से क्लियर हो चुकी होंगी। कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों को एक्स सर्विसमैन और कैटेगरी वाइज सभी को हाइट, वेट, चेस्ट और आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इतना अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका रहेगा मेडिकल टेस्ट, आपको मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करना रहेगा। उसके बाद आपका कुछ यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होंगे, जैसा कि अभी मैं बता दूंगा आपको। एडमिट कार्ड यहाँ पर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराए जाएंगे, मैंने पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया है। कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं, जैसे कि बहुत सारे रीजनल सर्टिफिकेट, करेक्टर, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपके पास होने अनिवार्य हैं।
आवेदन आपको www.joinindianarmy.nic.in से आप आवेदन कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट आप ज़रूर इसमें यूज करिएगा, क्योंकि इससे आपको यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको सब चीज़ें बताई, अब मेन जो आपका रहेगा यहाँ पर फिजिकल फिटनेस रहेगा, ये आपको क्वालिफाई करना रहेगा। जैसे कि अगर आप ग्रुप वन और ग्रुप टू दो तरह के आवेदन हैं, ग्रुप वन में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर की जो रेस है वो 5:30 में क्वालिफाई करनी रहेगी। ग्रुप टू में अगर आवेदन करते हैं तो 1.6 किलोमीटर की रेस आपको 5:31 से 5:45 में क्वालिफाई करनी रहेगी। ग्रुप वन में अगर क्वालिफाई करते हैं तो 60 पॉइंट मिलेंगे आपको, सेकंड में करते हैं तो 48 पॉइंट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। कुछ बीम रहेंगी, बीम अगर आप वो करने रहेंगे पुशअप, तो उसके अनुसार आपको जितने आप पुल अप्स करेंगे उसके अनुसार यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। 10/40 है और 6/16 है, तो ये आपके अनुसार यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। 9 फीट का जो डिस्टेंस है वो आपको क्वालिफाई करना ही करना है, जिगजैग बैलेंस आपको क्वालिफाई करना है। तो ये कुछ फिजिकल है, उसके बाद ही आपका यहाँ पर मेडिकल होगा। तो कुछ फिजिकल चीज़ें जो है वो आपको क्वालिफाई करनी रहेंगी। तो उम्मीद है कि सब चीज़ें आप इससे समझ गए होंगे। कुछ भी ना समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इसी तरह के आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।